सूरज बाबू भाई हटाऊं क्या अलग करो पहले देख लेते हैं ना देख क्या होगा लाइट वाले इधर साइड हो गया ये था एक मिनट ऐसे अभी लाना नहीं इसको आप एक बार पहले देख लें हाँ ठीक है ठीक है देख गया ये बैठा है सामने दम बंद बेटा दमन तुम कुछ तो ऐसे रिपोर्टर बन रहे एक मिनट एक छोड़ कितना लंबा है कील है सूरज इसके साथ ध्यान रखना कभी ये चोट ना लग जाए इसके कील है इसमें कोई गट्टा चलो ऐसे वापस नहीं आता है इसकी पकड़ बहुत ज्यादा तगड़ी पकड़ है पकड़ बहुत होती है इसकी इस सांप की सबसे ज्यादा पकड़ होती है कौन सा सांप है ये दामन ये दामिन बोलते हैं इसको रेड स्नेक होता है जहरीला होता है ये इसमें जहर नहीं होता इसके अंदर लेकिन क्या रहता है कि बुड़का भरता है बैक्टीरिया खतरनाक वायरस इन्फेक्शन हो जाता है ये जहाँ खाता है ना तो जहर तो होता नहीं इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे काट लेता है क्या सर आप बना भी रहे हो बता कोई भी जानवर होता है काट लेता है तो इन्फेक्शन तो होना स्वाभाविक है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा पानी देना कोई काटेगा नहीं आपका इसका थोड़ा सा मजबूत भी है तो ऐसे भी रहा पानी में पता नहीं है सही है बिल्कुल सही है ये काट भी लेता है ना तो लोग क्या करते हैं बाबा के पास चले जाते हैं कि भाई काट गया और ये जहरीला होता नहीं है नहीं नहीं आप कहाँ सीखते हो ये काम डैडी का भी सिखाते सीखने की जरूरत है खेतों में सीख लेते हैं ये कोई देना छोटा सा कोई रस्सी हो हम लोग सांप ये पकड़ते इसलिए हैं कि लोगों को थोड़ा पता लगे सांप पकड़ना हमारा पेशा नहीं है सांप इसको कह सकते हैं हम लोग और स्थानीय भाषा में इसको धामिन भी कह देते हैं घोड़ पछाड़ भी बोल देते हैं जैसा जिसका क्षेत्र रहता है उसके हिसाब से लोग बात करते हैं बस यहीं से कहीं से बांध और कुछ लोग कहते हैं कि ये पूँछ मार देता है कुछ हर तरह की अपनी अपनी लोगों की वो होती है विचार होते हैं बाकी ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता और लोग अगर ये काट भी जाता है तो भाई साहब गांठ ज्यादा क्यों मार रहे हो अभी इसको छोड़ना ही पड़ेगा इसको खोलना मारते भी दोबारा खुले ही ना ये अभी खोलना है ना इसको कहां छोड़ते हैं बस खेतों में ही छोड़ देंगे जंगल जंगल में मकसद घर से निकालना है ना
और किसी के घर में घुस गया तो कोई नहीं पकड़ने वाला है तो लोग क्या करेंगे, मारेंगे, उनके पास विकल्प नहीं है। नहीं, आप जो ये काम करते हैं उसके क्या मोटिव आपका? मोटिव ये है कि इन जानवरों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाना, क्योंकि आज लोग हम ये सब देख रहे हैं, इनको आने वाले 5-7-10 सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह। देखते ही लोगों बचाने की कोशिश करते ही नहीं है बल्कि मार डालते हैं। सांप का भय इतना बैठा, अब ये जहरीला नहीं है लेकिन किसी के दिमाग, हर एक किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जहरीला होता है सांप का, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन क्या करेगा, अब काटते ही लोग डर के मारे दहशत की वजह से मर जाते हैं। लोगों को समझाना, अब ये थोड़ी सी अगर इसकी पहचान हो जाएगी ना कि ये जहरीला नहीं है तो लोग इसे मारने की बजाय बचाने की सोचेंगे। ऐसे ही है ना।